ताज नगरी आगरा में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि जिले के एक टोल प्लाजा को लगातार 13 ट्रैक्टर बिना रुके तोड़ते हुए निकल गए। वहीं इस मामले का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें खनन माफियाओं की दबंगई साफ दिखाई दे रही है। टोल कर्मियों ने डंडे से ट्रैक्टर रोकने भी चाहे, लेकिन सभी ट्रैक्टर एक एक कर टोल पार कर गए। पूरा मामला थाना संया अंतर्गत आगरा ग्वालियर हाईवे पर स्थित जाजऊ टोल प्लाजा का है, जहां बीते रविवार तड़के करीब 4:55 पर एक ट्रैक्टर द्वारा टोल प्लाजा की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया, जिसके बाद एक एक कर 13 ट्रैक्टर टोल प्लाजा की बैरिकेडिंग को टक्कर मारते हुए पार कर गए। कई बार टोल पर तैनात कर्मियों ने ट्रैक्टरों को डंडे द्वारा रोकने की कोशिश भी की, लेकिन एक भी ट्रैक्टर नहीं रुका और सभी ट्रैक्टर टोल को बिना टैक्स दिए ही पार कर गए। घटना की जानकारी मिलते ही थाना सैया पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने टोल प्लाजा पर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच पड़ताल की, जिसमें सभी ट्रैक्टर टोल की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए निकल रहे थे। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर ट्रैक्टर चालकों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई भी ट्रैक्टर चालक पकड़ में नहीं आया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में अज्ञात खनन माफियाओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप चूक न जाएं।